चैनल। तो आज है इंडिपेंडेंस डे। तो अभी यहाँ पे ना हमारे कॉलोनी में सेलिब्रेशन हो रहा है। अभी चेरी और उसके पापा तो गए हैं, फ्लैग होस्टिंग तो हो गया है, शायद मैं लेट हो गई, मैं जा रही हूँ। चलो खर गए हैं मेरे पाल। कोता है चेरी? चेरी कोई? इधर इधर इधर। शिकायत दूर रख कर आइए, है कहीं दिल से गुजारिश, आइए आ जाइए। आप सभी का अंतस की गहराइयों के साथ बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत। जो पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं उन्हें मैं मंच पर आमंत्रित करता हूँ। तुमको डांस करा तो दी नहीं है बड़े। नेक्स्ट टाइम। टाइगर। दिस इज वार्म अप। सो फ्लैग होस्टिंग और कल्चरल प्रोग्राम जो है हो गया है, और बहुत ज़्यादा गर्मी थी क्योंकि अंदर एसी नहीं चल रहा था। और अभी हम आए हैं थोड़ा सा फ़ोटो शूट करने, बस फोटो निकाल रहे हैं। यहाँ पे है, यहाँ पे हुआ था फ्लैग होस्टिंग। आपको अच्छे से दिखा दूँगी कहाँ पे। ये एक बड़ा सा ग्राउंड है, तो वहाँ पे यहाँ पे पार्क भी है, एक्चुअली खेलने वाला पार्क है। और ये चेरी तो आज बहुत ज़्यादा मज़े कर रही है। अभी बजे हैं 1:30 बज गए हैं, खाना बनाना नहीं हुआ है, शायद आज भी बाहर खाना पड़ेगा। बहुत अच्छी सी हवा चली है और क्लाउड तो देखो कितना ज़्यादा है। सो इसी वाले मौसम में ना बहुत अच्छा लगता है। और बहुत हड़बड़ी में मैं ये पहन के आ गई थी, ये पिपड़े की। आई लव यू, थैंक यू मम्मा। घर तो आ गए हैं, अभी लंच के लिए बाहर जा रहे हैं क्योंकि घर पे कुछ बना के नहीं गई थी, क्योंकि प्लान ही नहीं था इतना टाइम लग जाएगा। हाँ चलो शूज, उसको बस ड्रेस चेंज कर लिया, उसे खुद ही कर लिया, मैंने नहीं करवाया। अंधेरा हो गया पूरा, ये देखो पूरा अंधेरा हो गया है, तो बारिश तो बहुत धमाकेदार होगी। सो चलो, यस चलो। देखो हाँ स्टिकर, चलो तो अभी खाने तो आए हैं पर बहुत लेट हो गया ना, क्या मिलेगा क्या खाओगे? चेरी क्या खाओगी? नूडल्स खाओगी? यहाँ पे वैसा सादा वाला नूडल्स थोड़ी ना मिलेगा, मम्मी जैसा नहीं मिलेगा। झाल होगा, झाल तीखा, चिली हो जाएगा, चिली। वेल हर टाइम मैं इसी जगह से स्टार्ट करती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि इसी जगह पे मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो इंट्रो जो है वो शूट किया था। तो एनीवेज, और सारा कुछ सेलिब्रेशन करके
प्रोग्राम वगैरह देख के हम लोगों ने लंच किया। उसके बाद हम लोग आ गए। चेरी रास्ते में सो गई थी क्योंकि वो सुबह से जगी हुई थी और इतना सारा एक्टिविटीज़ हुआ है ना, वो दौड़ झाँप कर रही थी तो वो बहुत थक गई थी, तो सो गई, आते वक्त ही सो गई थी। और हम लोग ने सोचा था थोड़ा सा शॉपिंग करने जाएंगे, बट हम लोग भी बहुत थक गए थे, मेरी तबीयत सही नहीं थी वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो गई थी। मुझे 1 घंटे के लिए एडमिट करना पड़ा था। 2 बॉटल चढ़ी और 4 इंजेक्शन्स। चेरी का फर्स्ट ऐसा है कि वो समझ पा रही है क्या हो रहा है, क्या करना है ना। उसको याद नहीं रहेगा बड़े होके, बट वो कर रही है ना, यही मेरे लिए बहुत काफ़ी है। अभी उसको ये याद है कि स्कूल में उसको जनगण मन ये हुआ था, उसको याद है, बोल रही थी कि मैम ने बोला है जय हिंद भारत माता की जय। उसको फ़ोटो मैंने शेयर किया हुआ है, स्कूल का है वो। सारे बच्चे जो है कितने क्यूट लग रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा क्यूट लगते हैं, ऐसे सच के जाते हैं ना। तो एनीवेज आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया और कैसे किया है, आप लोगों के बच्चे ने कैसे किया है, स्कूल में कैसे हुआ है, सब हुआ है, आप लोगों ने कैसे सेलिब्रेट किया है आपके कॉलोनी में या आपके घर पे। अभी तो हर घर तिरंगा हो गया है, तो हमारे घर में भी लगे हैं। सो आप लोगों ने लगाया है, आप लोगों ने भी किया है हर घर तिरंगा। सो मैं ना बचपन में क्या करती थी, मैं खुद से बनाती थी फ्लैग्स। ये मुझे बहुत पसंद था, ये मेरा फेवरेट एक्टिविटीज़ था कि मैं फ्लैग बनाऊँ, तो मुझे बहुत पसंद था। अभी चेरी जब बड़ी होगी उसको भी बनाना सिखा दूँगी, और वो तो पेंटिंग में उसको इंटरेस्ट तो है ही। अभी देखते हैं बड़े होके क्या करती है वो। होपफुली आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, बहुत छोटा सा व्लॉग है, सिंपल सा व्लॉग है। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर पसंद आता है तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करना ना भूलें। मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी, अभी के लिए बाय। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे।